हेलो। वालेकुम। हाँ सलाम भाई। मैं बार खाना खाजा भाई बात कर रहे हैं। पार्टी जी आप खाजा भाई बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे मैं भाई? खाजा लिमा दिन बात कर रहा हूँ। खाजा जी खाजा भाई बोल सलाम जी बोलिए भाई। वालेकुम भाई। खैरियत भाई। जी भाई खैरियत भाई खैरियत। खाजा भाई दो सवाल पूछने का था मेरे को। जी गरीब पूछे। बचिया उस्मान नगर शाहीन नगर जी हीराकुंड तकरीबन बचिया अपने गरीब बैठे हुए साहब ये जी उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए कि 1 लाख 2 तोले 3 तोले सोना एक अच्छा जी शादी खाना सोना एक अच्छा खाना होना वो रेहान। इसके जी अब लिए आप क्या बोलते हैं बोलिए खाजा भाई। देखिए बात शाहीन नगर यहाँ बोल के नहीं है, हर जगह हर एरिया में गरीब बच्चे बैठे हैं। वाकई आपकी बात सही है, जी क्योंकि आजकल क्या है, एक तो दहेज मांग रहे हैं, गाड़ी सोना पैसे। अभी जी ये गरीब बच्चे क्या है, घरों में बैठे हुए हैं, इसके लिए क्या है कोई आवाज नहीं उठा रहे। जी भाई माशाल्लाह आप परसों आप इसकी मुहिम चला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अल्लाह सेहत दे आपको, जी बहुत अच्छी बात है। मगर अब ये काम क्या है, वो तो उलमाया बोलना, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बोलना, और काजी निकाय नहीं पड़ाना। जी एक ऐसी बल्लागुड़ी में हुआ, अच्छी दावत वावत करते निकाले पड़ाता हूँ बोले, जी तो जितने जिम्मेदार लोग हैं अपने मुस्लिम के, वो लोग का काम है कि इसकी शहर बेदार करना और इस पे बयाना देना। तो जब जाके होता, माशाल्लाह आप है जैसा, मकीन शरीफ है जैसा, बहुत सारे जने कर रहे हैं, आप भी इसकी कर रहे हैं, अल्लाह सेहत दे आपको, बहुत अच्छी चीज है। तो खजा भाई और एक ये सवाल है कि ये माफिया चंदा हैदराबाद में चल रहा है वो चंदे लोगों के लिए कुछ बोलिए ना भाई। ये माफिया चंदे का क्या है बोले तो, ये लोग जो है पहले तो कैसा बुक हुए, गए आए बहुत सारे जने। अब चंदों का कैसा है बोले तो, जो भी लोग जो बाहर से जो डालते अकाउंटों में पैसे, तो उनका काम है तहकीकात करना, और जो मुतासिर लोग हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालना। अब वहां से आ रहे हैं 2 लाख, इलवा क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं 50,000। जी हाँ अब ना क्या कर रहे हैं, चलो भाई जो भी है गनीमत बोल के। ये धंधा ऐसा उरुज पे चल रहा, इस पे शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले कुछ भी नहीं थे, आज भारी भारी गाड़ों में फिर रहे हैं, घरा बना रहे कर रहे हैं, चंदे के उस पर गरीबों का हक मार रहे हैं। जी हाँ तो इंशाल्लाह इस पे क्या है मालूम, कानून भी शिकंजा कसना, जैसा आप हम जिम्मेदार लोग है कई लोग वो भी करना है। चंदा का तो बहुत चल रहा भाई ऐसा। चंदे का मसले का ऐसा मतलब है खजा भाई लोगों को ठहरा देते ना उनका अकाउंट नंबर बताते किससे निकलते अपील करते। तो मैं हाँ ये चाह रहा हूँ कि जो भी शख्स जो अपील कर रहा उसका अकाउंट नंबर उसका आधार नंबर उसका घर का जी एड्रेस और पूरी डिटेल रहना उन्हें कौन से एरिया में रहता क्या रहता। इन लोग क्या कर रहे खाली अपील करके अपना नंबर डाल के 12 से 12 ने खाली रहे 4 ने उनको दे रही। दे रहे, और बिल्कुल ऐसा भी हो आपकी रहा बात सही दूसरे है। औरतों को जो परेशान है बोल के ऐसा सिखा के भी लेकर के ठहरा दे रहे हाँ वैसा भी चंदा वसूल किया जा रहा खजा भाई। उसके लिए कर क्या रहे कर बोलते रहे जो कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं भी उसकी एक मुहिम चलाता हूँ ये चंदा चोरों के बारे में। माशाल्लाह आप भी आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं हर किसी से सवाल कर रहा हूँ मतिन भाई। मैं किसी से नहीं मैं हर किसी से सवाल कर रहा हूँ मेरे को जवाब चाहिए उनके मैं इसलिए था मैं बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपका सवाल अच्छा है, जवाब भी यही है। चंदा चोरों का तो बहुत हो गया, उसकी रोकथाम करना चाहिए। ये और चंदा ये चोर वाले कुछ भी नहीं थे भाई एक गरीब मामूली आदमी थे। आज लोगों ने लाखों रुपए कहाँ से आ गए चालीस मालूम मालूम देख रहा हूँ से मैं 50 लाख की गाड़ी पे फिर रहे। अगर कोई फिर पैसे वाला अगर 50 लाख की शादी करा ना गरीब गरीब लोग अगर मांगने गए ना 2 रुपए नहीं था उन्हें नहीं और एक से देता। एक दिशा रखता उन्हें शादी में। तो सही है सही है। बच्चियों का क्या करेंगे भाई आज ये बच्चियां जो बैठे हुए है अफसोस हो रहा। और एक ये जी सवाल है खाजा हमारे खाजा भाई जो मेहर की जो रकम लगा जो बन रहे मैं घर दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ बच्ची को हाँ मैं इसका कार दे रहा हूँ उसके लिए क्या बोलते हैं खाजा भाई। जी ये अब निकाह करते वक्त मेहर तो लिख दे रहे, लिख रहे हैं मगर दे रहे नहीं, जबकि इस्लाम में जब का जब देना है जी दे रहे नहीं, मनमाने कर रहे हैं। तो इस्लामी तरीके से तो कोई चल रहा नहीं भाई। जैसा कि अबू अमल साहब भी इसकी मुहिम चले थे कि निके ईशा के बाद बोल रहे हैं, मगरिब के बाद बोल रहे हैं, 12 बजे दूल्हा आ रहा। अब बूढ़े बड़े लोग रहते, कोई टाइम पे खाने वाले रहते, चार सही बात है मगरिब ये हो रहा। अब वो दूल्हा जा रहा कब, फजर के टाइम पे। जी हाँ तो इसके लिए भी रोकथाम करना जरूरी है, और शादी जैसा होती, निकाह जैसा होता, तो वहां पे कोई दावत नहीं, कोई फंक्शन नहीं, छोटे घर के लोगों को, चाहे थोड़े लोगों को बुला के वो वलीमा करना चाहिए, तो वो अच्छा रहता। अब जो हमारे बहना जो बैठे हुए हैं, वो अफसोस की बात है, शहर में बहुत पैसे वाले लोग आए बहुत है भाई, मगर किसी के अंदर दिल नहीं है। चाहे तो बड़ी बात है, तो डेली 50,000 करा सकते,
मगर सो रही, जी खाली अपने घर बन रही, मरे तो क्या लिया थे भाई, सही बात है। आने वाले ये चीज है, तो पैसा रख के नहीं कर रहे। तो मैं उन लोगों को भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई उन लोग भी जैसा शहर हैदराबाद में जितने बच्चियां हैं उनका बारे में सोचना और बच्चों को उठाना, और इंशाल्लाह उसके लिए मुहिम चलेंगे अपन भी। और आप भी अलीम भाई अच्छा बोल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और ये चंदा चोरों के बारे में मैं करता हूँ काम, और ये बच्चों के लिए भी करता हूँ भाई। ये चंदा चोर वालों के जो बारे में बोलो ना भाई, मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि पूरी इसकी इंक्वायरी किया जाए, जो भी हाँ वीडियो डाल रहे हाँ उनका आधार कार्ड, उनका फोन नंबर सब तो डाटा रहा तो लगा अपील करे तो जब डालना लगा बिल्कुल सही है भाई। तो नहीं भाई, मीडिया वाले बेचारे भाइयों से मेरी गुजारिश भी है, ये आवाम में मेरी बात है ये, जी पूरी तहकीकात करना, वो बिल्कुल सही है खबरदार को करना। आज नीलाफर हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में कई जनों को पैसों को इंजेक्शन को खाने को खाना नहीं है। नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है भाई। जो ज़कात निकाल रहे अपन अपने हाँ हाथों से जाके अपने रिश्तेदारों में देके, अपने हाथों से जो बच्ची की रकम तो अपने हाथों से देना, जिम्मेदार जी आदमी को ऐसे लोगों को आपके सामने नहीं देना। बिल्कुल सही है भाई, सही है बात, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है भाई। तो सुने इसलिए क्या है, पहले अपने जो बड़े बड़े उलमाया हैं, जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग भी इसका बयान देना चाहिए मीडिया में कि शहर में आकर हो रहा क्या, चंदा चोरों का एक मुहिम चल रही, ये गरीब बच्चियां जो घरों में बैठे हुए दहेज के लिए बैठे हुए है, मजबूरन क्या कर रहे हैं लोग, दूसरा कदम उठा रहे, बाद में जी बच्ची क्या कर रही, फांसी लेकर मर जा रही, खुदकुशी कर ले रही, जी ये तो माशरे में ऐसा चल रहा। तो अब इसके लिए हालात हमारे खाजा भाई, हालात ये लॉकडाउन से ऐसा हो गए, नोटबंदी से हर जी कोई परेशान है साहब। अब गरीब आदमी 800 चलाने वाला 400 रुपए कमा के जी 200 रुपए आटे को देखे, उन्हें बच्ची के फ्यूचर में क्या रखेगा क्या खाएगा। सही है, हालात ऐसे खराब हो गए, कई बच्चियां बैठे हुए हैं, एक एक घर में तीन तीन चार चार सुने बच्चे बैठे हैं, ये उनके माँ बेचारा बाप 2-2 हजार रुपए जो फीजा लेके जो कर रहे हैं लोग, जी ये तमाशा बन गया भाई अपने हैदराबाद में। नहीं बिल्कुल तमाशा हर बन जगह गया बोल रहा हूँ मैं, हैदराबाद में बहुत बच्चे हैं, उस्मान नगर, शाही नगर में नहीं, हैदराबाद में अपने बहुत है। अगर ये बहुत लोग बड़े बड़े लोग अगर करके शादी खाने फ्री कर देंगे ना साहब, महीने जी के तो अलहमदिल्ला चिकन बिरयानी पे अगर 50 आदमी की भी दावत करी तो 1000 बच्चे और जाएंगे साहब। बहुत उठ जाते, बहुत उठ जाते, तो सुने बिल्कुल खाजा सही भाई, ये बात है, आप भी इसके गुजारिश है, आप जी लोगों जी के सामने रखिए बात, अपने जरूर मस्जिदों में हर जगह आप अपील करिए कि बिल्कुल गरीब बिल्कुल बच्चों भाई के ऊपर अल्लाह चाहे तो अपने को क्या है भाई, किसी से दुआ होने का अपने कोई चीज नहीं लग सही है, जाता, सही है, सही है, दौलत दौलत कुछ काम में नहीं आती, अल्लाह का नहीं, बिल्कुल दुआ सही काम है। में आती है अरे दौलत। भैया मैं क्या बोलूँ, ये 4 दिन की जो बारिश हुई थी, 4 दिन की बारिश में खैर एक इंचार्ज हमारे अंदर श्री रामलू बोल के बीजेपी के है कॉन्टेस्ट MLA, उन्होंने जाके राशन बांटे गरीबों को दिए, हालांकि कोई मीडिया ने कोई नहीं कही को, आज अपने लोगों से वो लोग आगे है जी हर चीज में, वो लोग आगे है। तो वो हिसाब से क्या है, जिसको जज्बा है, हालांकि अपन लोग है माइनॉरिटी के, मगर लोगों को जज्बा खत्म होगा, जी खाली क्या है मालूम किधर से आ रहा क्या है, वो अपने अपने घर बन रहे, चंदा जी चोरों एक मुहिम चला रहे, इन्हों एक मुहिम चला रहे, शहर में ऐसा होगा। तो मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी लोग बाहर से भेज रहे हैं, जो रिश्तेदार रखते हैं, उन लोग का काम है कि तहकीकात करना करके उन लोगों को देना, जी हाँ ये बीच में क्या कर रहे हैं लोग खा ले रहे हैं, जी हाँ ये गलत है ये। और एक बात हमारे खाजा भाई, जो भी बाहर से पैसा आता अपने हैदराबाद से देते, जी मगर इन लोगों का नाम नहीं बोलते खाजा भाई, लगा क्यों ऐसा बोलिए आप, नहीं बोलते वो इस तो है ना, उसमें से 10 लोग भेजते पैसे, इसमें एक बताते उसमें में भी एक बताते, चार सही आने है खा ले, चार आने बताते, तो बताते, बिल्कुल सही है। जो भी पैसा भेजा उसका नाम बताना, फलाने जगह से आदमी दिया पैसे, हर हाँ चीज बताना, जब ज़कात निकाल रहे हैं तो उसका नाम भी जरूरी है हाँ देना। नहीं अब ये बात जने कैसा है अलीम भाई, जी बात जने नाम नहीं बनमुट्ठी देते, बन मुट्ठी देते ना भाई, बीच वालों का फायदा हो रहा ना, वो ज़कात में कुछ काम वही नहीं है है, वही अपने है। हाँ घर वही बन लेते से, लोग। हाँ वो दे रहे हैं फोटो ले रहे हैं, न्यूज में जा रहे हैं, हम ऐसा करा दिए भाई, हम ये दिला दिए, वो रहे क्या भाई, अपन 400-500 हीरो क्या बन से वीडियो बना के अपनी बेइज्जती कर ले रहे लोग, रहे, कर ले रहे हैं वही से। क्या है मेरे भाई यार, चलाने वाले कितने परेशान है हैदराबाद में, नोटबंदी से किसी घर में खाना नहीं है, गरीब नहीं है, बस्ती में सही है जाओ राशन बांटो चावला बांटो, बिल्कुल सही है क्या भाई आपकी हालात हो बात, गए आज सही के है, शहर के भाई। बहुत शहर की हालत है। आज बचिया अपने होटलों पे भीख मांग रही भाई, आज 4-4 रुपए रखी देखो आप, होटलों पे भीख मांग रही, बुरखा पहन के सुने, हाँ भूख मंग रहे, बिल्कुल सही है, अपना इस्लाम किधर कबूल करा ये बोलिए आप, अपना सही है, इस्लाम सही किधर है, जा रहा, ये जवान तो है बच्चियां ले ना, लेके भाई पैड पे लिख के करके सर देखा की भीख देखा मांग रहे, देखा, ये सुने अपने जो जितने पैसे वाले लोग हैं, वो लोग अगर इसको करे तो बड़ी बात से तो कोई दिक्कत नहीं,
मगर ये लोगों का क्या है मालूम, देख के भी नजरअंदाज कर रहे हैं, ना इनको कोई दर्द है ना कुछ नहीं, हमारे बीवी बच्चे खा रहे हैं, हम खुश।